The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कोरोना के चलते दुनिया भर में लोगों को माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है. प्रॉब्लम यह है, पता ही नहीं चलता कौन सीवियर हो जाएगा, पता ही नहीं चलता किसकी किसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, किसको नहीं करना है, किसके लिए डरना है, किसके लिए इशू है, किस लेवल पे डरना है. तो आज हम आपको थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे कि कोविड पेशेंट्स के क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये पेशेंट माइल्ड है, ये पेशेंट मॉडरेट है, ये पेशेंट जो है सीवियर ए पहुंच गया है, सीवियर हो गया है, और उसके हिसाब से उसको भर्ती करना है या ट्रीटमेंट करना है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. सो इसके क्या मापदंड है, क्या क्राइटेरिया है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का, और रिस्क किसको ज़्यादा है, ये बात आज आप समझेंगे. सबसे पहले आपको समझा देते हैं कोविड के लिए जो लक्षण हमने आपको पहले बताया था डे वन रिकग्नाइज करने के लिए, उसमें क्या है. फट से समझ लीजिए, लिख सकते हैं आप चाहें तो. उसके आता है बुखार, फीवर, लो ग्रेड, हाई ग्रेड, डजंट मैटर, फीवर है, कफ है या ड्राई कफ, ड्राई थ्रोट है, हाथ पैर में दर्द है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर आपको हाथ की ग्रिप में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है. तो ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं तो आपको कोविड हो सकता है. आपने अपने आप को पहले आइसोलेट करना है, सेकेंड आपने ट्रीटमेंट शुरू करना है, थर्ड आपने टेस्ट कराना है. अब अगर इसके चलते अगर आपको कभी फीवर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, हल्का फीवर है कुछ है या हाई भी फीवर है, तो सिर्फ फीवर को हम माइल्ड केस मानते हैं. अगर फीवर के साथ अगर एक एक सिम्टम को समझते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं आप पेशेंट का, आप देखते हैं तो बुखार देखते हैं आप, देखते हैं आप, देखते हैं ऑक्सीजन लेवल देखते हैं आप, देखते हैं बाकी कोई और सिम्टम आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है. आपको कायदे से एक और चीज़ देखनी होती है, वो होती है रेस्पिरेटरी रेट. ये ज़रूरी होता है, सांस की रेट. सांस की रेट कैसे देखेंगे, तो पेशेंट की छाती बाहर आ रही है या ऊपर हो रही है, कंधे ऊपर हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो एक मिनट में कितनी बार छाती फूल रही है, कितनी बार, वो रेस्पिरेटरी रेट हो गया, रेस्पिरेशन का रेट एक मिनट में कितनी बार हुआ. तो रेस्पिरेटरी रेट देखना ज़रूरी है, ऑक्सीजन लेवल देखना ज़रूरी है, सिम्टम देखने ज़रूरी है. याद रखिए, फीवर के अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स बहुत हो सकते हैं. किसी को डायरिया, किसी को वॉमिटिंग, किसी को बैक एक, किसी को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, किसी को कंजंक्टिवाइटिस रहा, किसी को कमजोरी. लेकिन उन सारे सिम्टम्स से मापदंड नहीं बना सकते कि भाई ये सिम्टम है तो तुम सीवियर हो, ये सिम्टम है तो तुम माइल्ड हो. नहीं, जो सिम्टम से सीवियर बोल सकते हैं वो है फीवर, जो और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम. कौन सा सिम्टम बताएं. सो सिम्टम नंबर वन, अगर आपको फीवर है तो माइल्ड कोविड तो है ही. अगर उसके साथ में ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाती है, यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दम लगाना पड़ रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है सांस लेने में. नाउ इसको समझो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में ताकत लगानी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है अटक अटक के जा रही है, तब आपका केस मॉडरेट हो जाएगा. और यही चीज सीवियर होगी तो आपका सांस आ ही नहीं रहा, ऐसा फील होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा. यानी फीवर प्लस ब्रीदिंग डिफिकल्टी मॉडरेट, फीवर प्लस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि नहीं आ रहा सांस ही नहीं आ रहा, सांस ही नहीं आ रहा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आपका ऑक्सीजन की ज़रूरत या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है, उसको हम सीवियर बोलेंगे. अब इस चीज़ को देखने के लिए कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी है या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, उसको देखने के लिए रेस्पिरेटरी रेट अच्छे से काम करता है. तो अगर आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से कम है तो आप माइल्ड केस हो. 24 से 30 है, यानी एक मिनट में 24 बार सांस ले रहे हैं, उससे कम है तो आप माइल्ड है. अगर आपका 24 से लेके 30 के बीच में है तो आप मॉडरेट हैं. अगर 30 से ज़्यादा, 35 से 30 से ज़्यादा है तो आप सीवियर केस के तरफ बढ़ रहे हैं. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 अबव इज सीवियर रेस्पिरेटरी रेट, फीवर विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये हो गया. तीसरी चीज जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल, SpO2. तो SpO2 ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 94 से ऊपर है
रूम एयर पे, रूम एयर मतलब बिना ऑक्सीजन के, 94 से ऊपर है तो यू आर माइल्ड। अगर आपका 90 से 94 के बीच में है, यानी ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे चला गया है रूम एयर पे बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के, तो आप मॉडरेट केस हो गए हो। इस सिचुएशन में आपको ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आपका 90 से नीचे चला गया है तो आप सिवियर केस हो गया है। तो ये तीन चीज़ें आप घर पे मॉनिटर कर सकते हैं, फीवर के साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन का लेवल। इसके अलावा हॉस्पिटल लेवल पे हम लोग माइल्ड मॉडरेट सिवियर डिसाइड करते हैं छाती के एक्सरे या सीटी स्कैन के स्कोर से। तो छाती का एक्सरे में अगर आपका एक्सरे नॉर्मल है तो आप माइल्ड केस है। अगर आपके एक्सरे में एक या दो लंग के एरिया जोन होते हैं, लंग के एक जोन दो तीन चार, एक एक लंग में काफ़ी सारे जोन्स होते हैं, सो अगर आपके दो या एक या दो, एक या दो जोन इन्वॉल्व है जहां निमोनिया दिख रहा है एक्सरे में, तो आप मॉडरेट हैं। अगर दो से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गई तो वो सिवियर हो जाता है एक्सरे में। और सीटी स्कैन की बात करें तो सीटी स्कोर आता है 25 में से, 25 में से स्कोर अगर आपका 8 या कम है, लेस देन 8 है तो आप माइल्ड केस है। 8 भी है अगर, 8 से 15 के बीच में 8 भी है तो भी उसे मॉडरेट मान सकते हैं। तो 8 से 15 मतलब 25% से 50% तक आपका लंग इन्वॉल्व हो गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 15% से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो फिर वो सिवियर इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, वो 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा आपका लंग इन्वॉल्व हो गया है। सो 15 से ज़्यादा सिवियर, 8 से 15 सीटी स्कोर आपका मॉडरेट, और लेस देन 8 इज़ योर माइल्ड केस। सो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोरोना में माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर कौन है। हर सिवियर पेशेंट को अस्पताल में होना चाहिए और हर मॉडरेट पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट पे होना चाहिए, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। हर माइल्ड केस जो है वो हो सकता है खुद ही ठीक हो जाए, या वो सीरियस हो जाए आगे चल के, तो उसको भी डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनका उम्र ज़्यादा है, जिनको पुरानी बीमारी है, बीपी शुगर है, सांस की ओसीओपीडी है, हार्ट फेलियर है, कोई पुराना ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रोंकियल अस्थमा है, अनकंट्रोल्ड शुगर, कोई कैंसर, कोई किडनी का पुरानी कोई भी बीमारी है आपको, तो आपका पेशेंट जो है, इवन मोटापा है तो आपका पेशेंट जो है हाई रिस्क में चला जाता है। ऐसे में फिर पेशेंट का जितनी क्लोज मॉनिटरिंग हो सके वो ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए जितना हो सके। आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि पेशेंट का इनिशियल टेस्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, और आगे इन्वेस्टिगेशंस में कौन से इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर केस कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।